हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों बच्चों हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा की। और अपने पिछले लेक्चर में हम विद्युत धारा और अपवाहवेग में संबंध की बात कर चुके थे। चैप्टर में कितना पढ़ चुके हैं, कल तक की जो अपनी क्लास हुई थी उसमें अपन कितना पढ़ चुके थे। सबसे पहले दिन हमने विद्युत धारा के बारे में देखा, उसके बाद धारा घनत्व के बारे में देखा, क्षेत्र की अनुपस्थिति और उपस्थिति में चालक का व्यवहार पढ़ा, अपवाहवेग की बात करी, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की बात करी और विद्युत धारा और अपवाहवेग में संबंध हम प्रूफ कर चुके थे। I बराबर NeA Bd, यहाँ तक मैं आपको ये करवा चुका हूँ, ठीक है ना। इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा। और हालांकि आप बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से जो आज का लेक्चर पढ़ने वाले हैं आप परिचित भी होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जल्दी से। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करिए भाई। चलिए जल्दी करिए। फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा इलेक्ट्रिकल, ठीक। तो जो अपन आज हेडिंग पढ़ने वाले हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों ओम का नियम, ओम्स लॉ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस नाम से तो परिचित होंगे। ओम का नियम आपने 10th क्लास में अवश्य सुना होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ओम का नियम क्या होता है, कब ये मान्य होता है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो तो सारी कहानी अपन आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से एक बार आप बोर्ड पर समझिए, ओम तो एक वैज्ञानिक का नियम नाम हो गया, उन्होंने अपना एक नियम दिया। और नियम क्या दिया बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने एक चालक लिया, कोई भी तार मान लो ये लिया, एक चालक तार ले लिया। अब चालक तार में कोई ना कोई लंबाई रही होगी, सपोज L वो लंबाई है ना। ध्यान रखना जो लंबाई होती है ना बच्चों, धारा प्रवाह के अनुदिश ली जाती है। क्यों कह रहा हूं ये, आगे 2-3 क्वेश्चनों में आपको फील कराऊंगा ये चीज। कोई ना कोई अनुप्रस्थ काट रहा होगा, ये मान लीजिए। मान लो आप जिस चालक पर विचार कर रहे हो उस चालक की लंबाई कितनी है L, अनुप्रस्थ काट कितना है ए। अच्छा सुनना, आप इस चालक की कंडीशन सुनना, भौतिक अवस्थाएं नियत रखते हो, भौतिक अवस्थाएं। और भौतिक अवस्थाओं से मेरा मतलब क्या है, ना तो आप तार की लंबाई चेंज कर रहे हो बार बार, क्योंकि आप पढ़ोगे आगे लंबाई चेंज करने से प्रतिरोध चेंज होता है। जो अपन ने वायर लिया है वो फिक्स कर दिया अपन, अब लंबाई ओम का जब नियम पढ़ रहे हो तो इस प्रैक्टिकल के दौरान ओम साहब ने ना तो इसकी लंबाई चेंज करी, ना अनुप्रस्थ काट चेंज किया। आप जानते होंगे ना, मतलब उन सभी चीजों को कांस्टेंट रखा जिन पर प्रतिरोध डिपेंड करता है। आगे आएगा ये चीज। तो आपने प्रतिरोध किन किन बातों से प्रभावित कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा लंबाई, तो लंबाई कांस्टेंट, अनुप्रस्थ काट। तीसरा नंबर आता है बच्चों प्रकृति, सब प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है वो आप समझना ध्यान से। लंबाई आप समझ गए ना, तार की लंबाई कांस्टेंट कर दी, अनुप्रस्थ काट कांस्टेंट कर दिया। प्रकृति का मतलब है तार की नेचर, तार किसका बना हुआ है, चालक तो है, लोहे का है तो लोहे का रखा, चांदी का है तो चांदी का, सोने का है तो सोने का, और भी कोई भी धातु हो सकती है ना। लंबाई बदलूंगा क्योंकि प्रकृति चेंज करने से, प्रकृति चेंज करने से आपने सुना होगा प्रतिरोधकता नाम की टर्म, बहुत सारी टर्म इस चैप्टर में आने वाली हैं, हर एक पॉइंट क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी बनती है ना, बशर्ते आप बारीकी से चीज़ों को समझते जाएं। तो जब ओम साहब अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उन्होंने एक चालक ले लिया, उस चालक की लंबाई उन्होंने कॉन्स्टेंट कर दी, चालक का अनुप्रस्थ काट कांस्टेंट कर दिया, चालक की प्रकृति कांस्टेंट कर दी। और एक फैक्टर और पढ़ा होगा आपने, ताप टेम्परेचर,
टेम्परेचर से भी प्रतिरोध प्रभावित होता है, किस प्रकार देखेंगे अपन आगे। तो ये चार चीजें उसने कॉन्स्टेंट करी। मैं बार बार बोलूंगा कि भौतिक अवस्थाएं नियत हैं, तार की भौतिक अवस्थाएं पूरा लिख देता हूं, ये लो, चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत रखकर, कंडीशन हो गई ये लो ओम का नियम लगाने की। पहली बात तो कि ओम का नियम कब लागू होगा, अगर चालक जो आपने चालक लिया है उसकी भौतिक अवस्थाएं कैसी हो, नियत। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं, भौतिक अवस्था बार बार बोल रहा हूँ, क्लियर हो गए इन सबको, ना लंबाई बदलनी है, ना अनुप्रस्थ काट बदलना है, ना प्रकृति बदलनी है, ना ताप बदलना है, नियत रखी जाए, ठीक है साहब। अब इन्होंने अच्छा अपन तार को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना, आगे चलकर वो तार था, अब इसमें साहब इन्होंने करंट फ्लो किया। इन चीजों को कॉन्स्टेंट रखते हुए, भौतिक अवस्थाओं को नियत रखते हुए करंट फ्लो किया, मान लो आई, कितना करंट फ्लो किया आई, तो प्रतिरोध के सिरों पर कोई ना कोई वोल्टेज बन रहा होगा। वोल्टेज नापने के लिए इसने एक ये मान लो वोल्टमीटर जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या देखा कि आप जितनी ज्यादा करंट फ्लो करते हो, अगर आई का मान बढ़ाते हो तो विभवांतर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर बढ़ जाता है, मीन्स वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये है ओम का नियम। बस बी बराबर आई आर लगाते हैं, बाकी नियम तो यही हो गया पूरा। इस नियम के अनुसार देखो, बड़ा 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 सरल सा स्टेटमेंट है, बहुत आसानी से स्टेटमेंट है। इस नियम के अनुसार चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रखकर, भौतिक अवस्था क्यों नहीं बदली चर्चा करेंगे आगे। इस नियम के अनुसार चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब लंबाई, अनुप्रस्थ काट, प्रकृति और ताप, अगर नियत रखी जाए, अगर नियत रखी जाए और तार में धारा का प्रवाह हो, और तार में धारा का प्रवाह हो बच्चों, तो जो सिरों पर बनने वाला विभवांतर है, सिरों पर बनने वाला जो विभवांतर है वो प्रवाहित धारा के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि समानुपाती। क्लियर है ना भाई, ठीक। तो ये तो हुआ हमारा ओम का नियम। अब ओम के नियम एक एक करके पॉइंट दर पॉइंट पढ़ेंगे। पहले ओम का नियम सीखते हैं ना। अच्छा, इसमें एक स्टेप अपन और बढ़ा सकते हैं। देखो आगे, जब बी अगर आई के समानुपाती आ गया तो इसे समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर लगाया तो कोई ना कोई कांस्टेंट काम में आता है ना, आर आया, आई लिख दिया और फिर लिख दिया हमने आर। तो ये सूत्र बना कौन सा, बी बराबर आई आर। जो आर है, आर एक्चुअली में समानुपाती स्थिरांक है। आर क्या है, समानुपाती स्थिरांक, और इसी चीज को, इस समानुपाती स्थिरांक को ही कहा जाता है बच्चों चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर का सूत्र अगर निकालना है तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, वी अपॉन आई। ये बिल्कुल वैसी कहानी है, इसी के पैरेलल समझाता हूं, जैसा आपने संधारित्र में धारिता के बारे में पढ़ा था बच्चों। आप धारिता के बारे में कहते थे कि क्यू समानुपाती वी, तो यहां आप कह रहे हो वी समानुपाती आई। बराबर हटा करके कांस्टेंट सी काम में लिया, बराबर हटा करके कांस्टेंट आर काम में लिया। सी संधारित्र की धारिता, आर चालक का प्रतिरोध। तो धारिता का सूत्र क्यू अपॉन वी लगाया मैंने जहां भी धारिता के बारे में बात करी। अब जब भी प्रतिरोध की बात करूंगा तो आर का सूत्र वी अपॉन आई, प्रतिरोध होता क्या है, कहां से आता है, ये सारी बातें अपन इसके अंदर करने वाले हैं। फिलहाल ओम का नियम समझ में आया, सिर्फ दो बातें बोल देना, कोई गलत नहीं कर सकता। कौन सी बातें, कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जब आप प्रतिरोध का मेजरमेंट कर रहे हो, तो आप कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं कर सकते बच्चों, ध्यान रखना। ना तो आप चालक की लंबाई चेंज कर सकते हो, ना अनुप्रस्थ काट, ना प्रकृति, ना ताप, क्योंकि ऐसा अगर आपने चेंज किया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। सपोज इस तार का रेजिस्टेंस 10 ओम है, आप नापने लग गए 10 ओम, आपने लंबाई बढ़ा दी, रेजिस्टेंस तो हो गया 11, पर आप तो 10 ही नापोगे ना, मतलब हमेशा गलत नापोगे। तो ओम के नियम क्या कहता है कि अगर आप चालक की भौतिक अवस्था नियत रखकर धारा प्रवाहित करते हो तो चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है ना, वो धारा के कैसा है, अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। बी बराबर आई आर, आर बराबर वी वटा आई। जिस तरीके से मैंने कहा
कि धारिता क्यू और बी पर डिपेंड नहीं करती है जब तक कि किसी एक को कांस्टेंट ना कर दें, क्योंकि जिस अनुपात में क्यू चेंज होगा, क्यू डबल कर दिया तो वोल्टेज भी डबल आएगा, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम लॉजिक, आर का मान बी और आई पर डिपेंड नहीं करेगा जब तक कि किसी एक को कांस्टेंट ना करें। एक बार पहले आप सभी ओम का नियम लिखिए ना भैया, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, देखिए हेडिंग डाल रहे हैं आप सभी बच्चे, ओम का नियम। ओम बनाना भैया है ना, ओम नमः शिवाय वाला ओम ना लिख देना। ओम का नियम लिखिए, इस लैंग्वेज बनाना सीखे बच्चों, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ब्रैकेट में कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं साहब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, प्रकृति, कौमा ताप, याद रखिएगा, याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे ना। इस नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रखकर, नियत रखकर चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, प्रवाहित की जाए, तो दो बातें, भौतिक अवस्था कांस्टेंट और तार में धारा प्रवाहित कर रहे हो, प्रवाहित की जाए तो चालक के सरों के मध्य, सही स्टेटमेंट तो यह है, आप सीधा वोल्टेज ना बोल सकते हो क्योंकि जब आप वोल्टमीटर जोड़ रहे हो ना तो आप दोनों सरों के बीच जोड़ते हो भाई वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर क्या नापता है, दोनों सरों के बीच का विभवांतर किया जाए, तो चालक के, चालक के दोनों सरों के, लिख दिया मैंने, चालक के दोनों लिखना भूल गया भाई, चालक के दोनों सरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, कोमा लगाइए, प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती, लिख दीजिए, समानुपाती होता है। कहानी समझ में आ गई ना, बहुत सरल स्टेटमेंट है, उम्मीद करता हूँ कि ऑन द स्पॉट क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए। ओम का नियम कहता है कि एक चालक है, उसकी भौतिक अवस्था नियत रख और धारा प्रवाहित कर दे, तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ देखी गई है, ऐसा क्यों होता है, देखा गया भाई एक्सपेरिमेंट में कि जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करी उतना ज़्यादा क्या बन गया, वोल्टेज, ग्राफ भी सीधा आएगा, तो बी समानुपाती आता है आई के, और आप लिख सकते हो बी बराबर डायरेक्ट आर आई लिख दो या आई आर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूटीन में बोलने में ये बी बराबर आई आर ही आता है, तो मैं बी बराबर आई आर लिख रहा हूं, जहां कैपिटल आर समानुपाती स्थिरांक है जिसे क्या कहते हो भाई आप, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ तक आप ओम का नियम तो लिखिए, फिर बढ़ेंगे इसमें आगे, बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी एडिंग है भाई ना, एक बार कमेंट करके बताना समझ में आया कि सबको।
ओम का नियम बहुत सुना होगा आपने इसका नाम, और वास्तव में नाम सुनने लायक चीज है, ठीक है। तो जल्दी से आप ओम का नियम तो लिखो एक बार भैया। ठीक है भाई, दो तीन बड़ी सरल सरल सी बात थी कि भौतिक अवस्था नियत, भौतिक अवस्था नियत, और धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती है। क्लियर है भैया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें अपन चाहे तो इसी क्रम में आगे बढ़ सकते हैं ना, अपन दूसरे तरीके से पढ़ते हैं इस बात को ना। नेक्स्ट, ये तो हुआ अपना ओम का नियम, कब लगता है कहाँ लगता है उसकी चर्चा भी करेंगे अपन आगे ना। पहले एक बात आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई दृष्ट एक और होना चाहिए, चलो देख लेते हैं। इधर देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो एडिंग है आप एडिंग लिखिएगा, चालक का प्रतिरोध, इसमें समझेंगे चीजों को अपन। चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक का प्रतिरोध जिसे आप कैपिटल आर से डिनोट करते हो, तो आप सभी हेडिंग डाले हैं चालक का प्रतिरोध। देखो अपने पढ़ने का तरीका है, चीज को कौन सी कहां पढ़नी है वो मैं डिसाइड करूंगा, है ना। आप सिर्फ समझते जाएं, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दें आप। अब देखिए ध्यान से, आप सवाल पैदा होता है कि एक्चुअल में प्रतिरोध है क्या चीज, बच्चों थोड़ा फील करके देखना है ना। देखो नाम से ही बातें क्लियर हैं, प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ निकलता है रुकावट, किसी चीज का प्रतिरोध करना, विरोध करना। प्रतिरोध का जो शाब्दिक अर्थ है वो है भाई रुकावट, रुकावट। अब चालक का प्रतिरोध मतलब चालक द्वारा डाली गई रुकावट। जब चालक में धारा का प्रवाह होता है ना, तो चालक धारा के मार्ग में रुकावट डालता है साहब। कैसे, एक दिन मैंने आपको और समझाया था बच्चों। मान लीजिए कि ये कोई चालक है, अब हर एक चीज परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, और परमाणु होते हैं भाई लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 10^23 परमाणु होते हैं। सोच के देखना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर मैं घन बना लू ना, तो उसमें 10^23 परमाणु आप गिन भी नहीं पाओगे कायदे से, अगर हमें तो इतने ज्यादा परमाणु होते हैं। मतलब समझने का अर्थ ये हुआ कि परमाणु बहुत नजदीक और क्लोजली बाउंडेड होते हैं साहब। अब मान लीजिए साहब, आप ये बहुत सारे परमाणु हैं किसी पदार्थ के अंदर, बच्चों विचार करना ध्यान से। अच्छा, अब मैंने बताया कि जब आप इस पर विद्युत क्षेत्र लगाओगे, अगर विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रहे हो तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित गति करेंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लिए साहब मैंने, और आपस में प्रभावों को नष्ट कर देते हैं। जैसे आपने विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये सिरा मान लो पॉजिटिव है, ये सिरा नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, और इस विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के अपोजिट यानी कि ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करेगा। अब आप इस चीज को ऐसे समझें, बाजार में बहुत सारे लोग हैं, एक पूरा मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोई समझदार प्राणी तो है नहीं है जो बच बच के निकल जाएगा बीच की मिसाब की तरह। मैं आपकी आंख की पट्टी बांध दूं, उम्मीद करो, और मैं कहूं बेटा यहां से यहां तक पहुंचना है, तो आप जैसे ही अंदर घुसोगे क्या आपकी टक्कर धातु परमाणु से होंगी? अरे बहुत सारे धातु परमाणु है ना, तो आप जाओगे, आप टकराओगे, आपको जाना उसी दिशा में, टकराए। देखो यहां से आप, हो सकता है कि आप यहां टक्कर करी फिर थोड़ा मुड़ गए हो, लेकिन मुड़ करके वापस नहीं जाओगे, आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, यहां मुड़े, यहां टक्कर, यहां टक्कर, यहां टक्कर, टक्कर खा खा करके आगे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को जाना तो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर है, और वो जा भी ऋण सिरे से धन सिरे की ओर रहा है, पर जब इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन प्रवाह का मतलब ही तो बच्चों विद्युत धारा है,
विद्युत धारा की परिभाषा मैंने क्या लिखाई है आपको, आवेश का प्रवाह, और चालक में आवेश कौन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसे बोल सकता हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही तो विद्युत धारा है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो बार बार धातु परमाणुओं से जो टक्करें हो रही हैं, बार बार जो धातु परमाणुओं से टक्करें हो रही हैं, क्या ये टक्कर उसके मार्ग में रुकावट का काम कर रही है? बताओ, आप में अगर टक्कर हो तो आपको सपोर्ट मिलेगा तो रुकावट है, नॉर्मल वे में तो रुकावट ही होगा एक तरीके से। तो जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और धातु परमाणुओं से टकरा रहा है ना, तो ये टक्कर विरोध, इसी चीज का नाम है प्रतिरोध। अज्यूम करके देखो किताब है ना। तो चालक का प्रतिरोध क्या है, कोई पूछे कि प्रतिरोध किस वजह से है, कि इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा होता है तो धातु परमाणुओं से टक्करें होती हैं, उन टक्करों की वजह से क्या ऐसा प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध की सिंपल शब्दों में अगर मुझे परिभाषा लिखानी हो, आप आगे प्रतिरोध को भी एक और नाम से जानोगे बच्चों, जब हम प्रत्यावर्ती धारा नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं इस चीज को प्रतिबाधा का नाम दे दूंगा। वहां और दो तीन सर्किट जुड़ जाएंगे, बाद की कहानी है, अभी कुछ नहीं समझ रहा उसके बारे में। हमें तो सर फिलहाल पढ़ना है चालक का प्रतिरोध। तो परिभाषा उम्मीद करता हूं हर एक बच्चा जानता होगा, प्रतिरोध मतलब रुकावट, चालक द्वारा डाली गई रुकावट धारा के मार्ग में या इलेक्ट्रॉन के मार्ग में। तो परिभाषा साहब, किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा सीधा लगता विद्युत धारा, हाँ, धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। धारा का मतलब विद्युत धारा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई ना। किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, कॉमा लगाइए, चालक का प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध कहलाती है किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। हर चालक धारा के मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट जरूर डालता है, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। अब जो ज्यादा रुकावट डालेगा उसका ज्यादा प्रतिरोध, जो कम रुकावट डालेगा उसका कम प्रतिरोध। सीधी सी बात है भैया, छोटी मोटी बातें बात करें। प्रतीक, एक एक चीज पूरी ढंग से पढ़ना भैया। प्रतीक, तो प्रतिरोध का जो सिंबल है, उम्मीद करता हूं हर एक बच्चा परिचित होगा साहब, आर। सिंबल क्या है, सिंबल दिखाऊं। सिंबल में अपन क्या करते हैं, देखो तो ऐसा बनाते हैं सीधा, और ये लो उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़, और ये सिंबल है प्रतिरोध का, इसके ऊपर आर लिख देते हैं। आप सब परिचित होंगे इस चीज से, ठीक है साहब, प्रतीक हो गया। सूत्र, ये काम की चीज है। सूत्र एक तो अभी आपने ओम के नियम से देखा भाई, ओम के नियम ने क्या कहा था कि जो स्वरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो धारा के समानुपाती है, बी समानुपाती आई के है, और समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे साहब, तो बी बराबर क्या आएगा, आई आर आएगा। तो आर का सूत्र जो निकल करके आया यहां से, तो आया साहब वी बटा आई। प्रतिरोध का सूत्र क्या निकल के आया, वी बटा आई निकल करके आया। और अगर इस सूत्र से आपको ऐसा लग रहा है कि प्रतिरोध बी और आई पर डिपेंड कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत लग रहा है। आर का मान वी और आई पर, यानी कि वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये दोनों परस्पर समानुपाती हैं। वोल्टेज डबल होगा तो करंट भी डबल होगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। एक सूत्र और है, उसको लिख तो लीजिए, चर्चा थोड़ी देर बाद कर लेंगे। रो एल बटा ए, सुना तो होगा आपने, प्रतिरोध का सूत्र है आर बराबर रो एल बटा ए। रो है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जो मैं अगली हेडिंग में पढ़ाऊंगा डीपली। एल का मतलब चालक की कोई ना कोई लंबाई, और ए का मतलब चालक का अनुप्रस्थ काठ। एल और ए किस तरीके से होते हैं, इसका भी मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा। फिलहाल आप इन बातों को समझने का प्रयास करें। देखो, एक तो अपन ने ओम का नियम पढ़ लिया बातों में। ओम ने क्या कहा, अगर हम चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रखते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के स्वरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, वी समानुपाती आई या बी बराबर आई आर। उसके बाद पढ़ रहा हूं बच्चों में चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध मीन्स रुकावट, चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, बाधा जो होगी वो कहलाएगा चालक का प्रतिरोध। प्रतीक आप परिचित हो, सूत्र मैंने बता दिया आर बराबर बी बटा आई। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना।
सूत्र आप अच्छे से याद कर लो, आर बराबर बी बटा ई, आर बराबर रोएल बटा ए, जो भी है। बच्चों मात्रक की बात करते हैं साहब, यूनिट क्या है इसका, मात्रक क्या है। तो देखो सूत्र से आप देख रहे होंगे तो बोल्ट बटा एम्पियर वगैरह वगैरह बनेगा, पर इसका एक बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा एक मात्रक है, आप परिचित होंगे। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या मात्रक होता है साहब? ओम। हिंदी में लिखूं तो ये लो ओम, ओम नमः शिवाय वाला, ये वाला ऐसे करके कुछ इस तरीके से, ओम मत बना देना ना भाई, ये ओम नहीं बनाना है, ओम इसका मात्रक है। और सिंबल प्रतीकात्मक तरीके से लिखेंगे, देखो कैसे, कुछ इस डिजाइन में, ज्यादा डिजाइन हो गया, सिंपल बना ले, इतना डिजाइन देके क्या करना है इसका। मात्रक भाई साहब ओम और प्रतीक ये लो, आप परिचित होंगे इस चीज से ना, ठीक है ना। ओम, अच्छा ब्रह्मा निकाल लीजिए, छोटे मोटे सारे पॉइंट, उम्मीद करता हूं कि इन पॉइंटों में नई बात तो कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला जरूर आप याद कर लेना, आर बराबर बी बटा ई, प्रतीक आप जानते हो पहले से, मात्रक ओम क्लियर हो गया होगा। बीमा निकालनी है तो निकालो, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस की बीमा चाहिए साहब, आर की बीमा, तो दिमाग में सूत्र आया आर बराबर वी बटाई से निकाल लो, क्योंकि रो से तो परिचित ही नहीं है फिलहाल, तो वी बटाई की बात कर लो। तो साहब बी का तो मात्रक नहीं पता, बी का बीमा सीधी याद नहीं है, तो बी का सूत्र विभव डब्ल्यू बटा क्यू, वी की जगह, और नीचे कितना आ जाएगा आई। बताओ यहां तक का खेल समझ में आया क्या, सारी बीमा जमा दो, W मीन्स कार्य, तो ऊपर आएगा M1 L2 T-2, उम्मीद है सबको याद होगी। आवेश बोले बच्चे तो A1 T1, और धारा बोले तो A1, क्या क्या सेट हो रहा है करो, M1 L2 और कहीं है ही नहीं है, T पर विचार करना बच्चों, T ऊपर जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, और माइनस के दो पहले से बैठे हुए हैं T-3, और नीचे देख A1 और A1 A2 है, ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा, ये हमारी बीमा हो गई साहब, M1 L2 T-3 A-1, क्लियर है यहां तक। अदिश राशि है प्रतिरोध, अदिश राशि है, यहां तक लिखिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी छोटी छोटी बातें हैं प्रतिरोध के बारे में, हर एक बात है ना, कुछ बातें आपने टेंथ में पढ़ ली हैं और कुछ बातें अभी बाकी। चलिए जी आगे बढ़े, देखिए और बात करते हैं ना इसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में। एक छोटी सी हेडिंग बना ले इसी में, सब हेडिंग प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, सुनना ध्यान से। इसमें पहला पॉइंट
तो सबसे पहला पॉइंट है, जब आप प्रतिरोध का सूत्र दिमाग में लाओगे तो बच्चों आर बराबर वी वटा आई दिमाग में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो फॉर्मूले को देखकर ऐसा लग सकता है कि आर का मान बी और आई पर डिपेंड करता है, पर अब आप तो अच्छे से समझ चुके होंगे कि प्रतिरोध का मान बी और आई पर डिपेंड नहीं करता। कब तक नहीं करता? जब तक कि किसी एक को कांस्टेंट ना कर दिया जाए। अगर आप आई कांस्टेंट करते हो तो आर समानुपाती है वी के, और आप वी कांस्टेंट करते हो तो आर व्युत्क्रमानुपाती है आई के। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखिए, चालक का प्रतिरोध, कॉमा लगाइए, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा तथा चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है। जो प्रतिरोध है, याद रखना, मैंने बोला है निर्भर नहीं करता है भाई, कहीं ना समझ जाना, किस किस पर डिपेंड नहीं करता है साहब? एक तो विद्युत धारा पर डिपेंड नहीं करता है, और दूसरा विभवांतर पर डिपेंड नहीं करता है। फिर दूसरा पॉइंट बनता है साहब, फिर किस किस पर डिपेंड करता है उनके नाम बताओ। तो आपने एक सूत्र और पढ़ा साहब, रो एल बटा ए किस पर डिपेंड करता है साहब? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी गई। अब देखो इसकी कहानियां हैं, ज्यादा विशेष समझेंगे नहीं अपन, अलग अलग है। देखो ए कांस्टेंट कर दो, दो तार लिए जिनकी मोटाई बराबर थी, रो कांस्टेंट, तीन चीजें रो एल ए जिसका प्रभाव पड़ना है उसको छोड़कर बाकी दो को कांस्टेंट कर दो। मैं पन्ना भरा सकता हूं इस बात के ऊपर, मैं उस तरीके से नहीं लिखाऊंगा। लंबाई का प्रभाव, तो लंबाई की बात कर रहे हो तो समान अनुप्रस्थ काठ और समान प्रकृति पर अलग अलग लंबाई के दो तार लिए गए, देखा गया प्रतिरोध अलग अलग आता है, मतलब लंबाई बदलने से प्रतिरोध बदल रहा है। जिसकी लंबाई ज्यादा उसका प्रतिरोध ज्यादा, लंबाई के समानुपाती साबित हो गया। ऐसे अनुप्रस्थ काठ पर और प्रकृति पर, तो तीन पॉइंट तो मैं सीधा लिख रहा हूं। देखो क्या लिख रहा हूं साहब, कि चालक का प्रतिरोध, बच्चों दिमाग लगाना, चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई, और लंबाई के ब्रैकेट में लिख देना आर समानुपाती एल। समानुपाती एल का मतलब समझ गए क्या आप? बहुत कुछ कह रहा है ये सेंटेंस, कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती है, लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध उतना ज्यादा बढ़ेगा। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, कॉमा, चालक के अनुप्रस्थ काठ मीन्स आर व्युत्क्रमानुपाती ए। एक तो किस पर डिपेंड कर रहा है साहब? चालक की लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काठ पर डिपेंड कर रहा है, कॉमा, चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति, प्रकृति समझ गए आप? अरे रो सॉरी नेचर है ना। अगर आप प्रतिरोधकता बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ध्यान रखना। तथा चालक, ये तो चालक की प्रकृति भी हो गया ना, और लास्ट है बच्चों चालक के ताप। अब ताप की कहानी मैं आपको अलग से और बहुत ढंग से पढ़ाऊंगा, इसके ऊपर कम से कम दो लेक्चर पढ़ेंगे हम चालक के ताप के ऊपर, पर फिलहाल आप एक सेंटेंस सुन लें कि चालक की बात कर रहा है तो आर समानुपाती है टी के, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है चालक का,
अर्धचालकों में उल्टा लॉजिक है, कैसे है वो अपन समझेंगे जब पढ़ेंगे तब। थोड़ा सब्र सब्र रख के पढ़िए। तो चालक के ताप पर निर्भर करता है। जल्दी से दो पॉइंट हो गए साहब, किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता, जल्दी से नोट करें। आर का मान बी और आई पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये परस्पर समान निर्भर नहीं करता है। एक लाइन और जोड़ दो, क्योंकि ये परस्पर समानुपाती हैं। भाई जो अनुपात V का चेंज होगा वही अनुपात I का चेंज होगा। चालक का प्रतिरोध, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये आपस में समानुपाती हैं। फिर किस पर डिपेंड करता है साहब? लंबाई, अनुप्रस्थ काट, प्रकृति और ताप पर डिपेंड करता है। क्लियर है साहब यहां तक? और आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, प्रतिरोध में ही चलना है साहब। ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की कहानी। जैसे मैंने आपको धारिता में पढ़ाया था, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं V और I के बीच ग्राफ बनाऊं, ग्राफ भी देख लो इसका, देखो दो ग्राफ बन सकते हैं शायद भाई। एक तो x एक्सिस पर वोल्टेज लिया जाए और y एक्सिस पर करंट लिया जाए, और दूसरा x एक्सिस पर करंट लिया जाए और y एक्सिस पर वोल्टेज लिया जाए। दो ग्राफ बन सकते हैं साहब, बनाइए। तो जैसा कि आपने कहा कि V समानुपाती है I के, ओम के नियम याद करिए, V और I चालक के लिए समानुपाती है ना, निम्न ताप पर। तो कम से कम वो कंडीशन बाद में देख लेंगे, फिलहाल नॉर्मल समझिए आप। तो V और I में ग्राफ खींचूंगा तो ग्राफ सीधी रेखा आएगा साहब। समानुपाती राशियां अगर V और I हैं तो ग्राफ कैसा आएगा? सीधी रेखा है ना। तो चाहे मैंने दो तरीके से ग्राफ खींच के देख लिया इसका, एक बार एक्स अक्ष पर बी और वाई अक्ष पर आई लेकर, दूसरा उसका रिवर्स करके। अच्छा साहब बात ढाल के आएगी। आप याद करो मैंने आपको धारिता पढ़ाई थी, दो ग्राफ बनाए थे। ढाल क्या होता है? धनात्मक एक्स अक्ष से बनाए गए कोण का टेन। ये मान लें एम, तो हम ढाल निकाल रहे हैं साहब। ढाल ढाल होगी साहब इसकी टेन थीटा। तो ढाल बराबर टेन थीटा, लंब बटे आधार, समकोण त्रिभुज बना के देख लो, ये कोण है तो लंब हो जाएगा आई और आधार आ जाएगा V, और B बराबर आई आर, आर बराबर होता है B बटा आई, ये आई बटा B है। मीन्स ढाल बराबर शायद एक बटे आर नजर आएगी। तो इस कंडीशन में जो R है ना वो एक बटा ढाल नजर आएगा। अगर आप ग्राफ ये बनाते हो बच्चों, एक्स अक्ष पर आप क्या लेते हो? वोल्टेज, और वाई अक्ष पर क्या लेते हो? आप करंट। तो लैंग्वेज में लिखाऊंगा नहीं, बी और आई के मध्य ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होती है और ढाल का व्युत्क्रम प्रतिरोध कहलाता है। जरा इस कंडीशन में बात करना, इस कंडीशन में ढाल निकालना साहब। ढाल तो वही टेन थीटा, तो ढाल निकालिए। ढाल बराबर धनात्मक एक्स अक्ष से कौन बनेगा, समकोण त्रिभुज की कल्पना करके देख लीजिए। थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है वी, आधार कितना है आई, और V अपॉन I रिप्रेजेंट करता है R को, तो प्रतिरोध ढाल के बराबर है। अगर ग्राफ ये बनता है तो ढाल का व्युत्क्रम प्रतिरोध है, ग्राफ ये बनता है तो ढाल ही प्रतिरोध है। ये जल्दी से नोट करो, और ये तो आपको बहुत जल्दी भी समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये सारा काम संधारित्र में करवा चुका हूँ। नोट करते जाओ बच्चों।
नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ना हल्के हल्के से प्रतिरोध पर ये बेस कुछ छोटी मोटी बात है। अब ग्राफ से स्टार्ट किया है तो मैं ग्राफ्स का ही क्वेश्चन बताऊं आपको है ना। ध्यान सुनना ग्राफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ले लो, यहां मान लो आपने वी लिया है मूल बिंदु है और इधर आपका आई है। वी और आई के मध्य ग्राफ खींचना है तो आपको पता है कि ओम के नियम में वी और आई समानुपाती हैं। समानुपाती हैं तो ये लो सीधी रेखा आएगा। एक प्रतिरोध आपने R1 नाम दे दिया, इस प्रतिरोध को आपने R2 नाम दे दिया। तो मेरा तो वही क्वेश्चन है कौन ज्यादा है, R2 ग्रेटर देन R1, V R1 ग्रेटर देन R2, C R1 बराबर R2 एंड D नन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करके नाम आंसर बताइए भाई इसका, कुछ दिमाग में हो पुराना तो और सब साफ कर दिया हो फिर तो आपका पढ़ना बेकार है। जल्दी कमेंट करके इसका आंसर दें। क्वेश्चन करने के तरीके कई हैं, पहले आपको मैं मेथड ही सिखाता हूं भाई। देखो ये पहले वाला ग्राफ है R1 का ग्राफ है ना वन का, तो इसका जो कोण बनेगा x अक्ष से वो तो हो जाएगा थीटा वन, और ये दो वाला ग्राफ है इसका जो कोण बनेगा वो हो जाएगा थीटा टू। कोण की अगर बात करूं तो साफ दिख रहा है कि थीटा वन बड़ा है थीटा टू से। टेन एक वर्धमान फलन है, अब वर्धमान भगवान क्या होता है अब मैथ में सीख हो गया आगे, तो टेन थीटा टू बड़ा हो जाएगा। और इस कंडीशन में टेन थीटा होता क्या है, या तो आर या एक बटे आर, रटना नहीं है तुरंत दिमाग में समकोण त्रिभुज बनाया साहब। टेन लंब बटे आधार आई बटा बी, और आई बटा बी तो एक बटे आर होता है क्योंकि बी बटे आई आर होता है। तो टेन थीटा वन है साहब एक बटा आर वन, ये है एक बटा आर टू, हमें तो आर वन आर टू चाहिए ना। और जब असमिका को उल्टा करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है, आपको पता होना चाहिए भैया। एक बटे दो और एक बटे तीन में एक बटे दो बड़ा है पर उल्टा कर दें तो फिर तीन बड़ा है, मीन्स R2 टू इज ग्रेटर देन R1। और शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको संधारित्र में सिखाई थी याद कर ट्रिक से, एक सेकंड में आंसर क्या बच्चों, R बराबर V बटा I पढ़ाया गया है क्या, R बराबर V बटा I होता है। तो मैंने कहा जो समानुपाती है उसको पकड़, B को पकड़ लिया तो B के नज़दीक है वो सबसे बड़ा, D के नज़दीक कौन है R2, मीन्स R2 सबसे बड़ा, सबसे आसान ट्रिक है। एक और देख ले इसी का, इसी पर अब मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ भाई ना, संधारित्र वाला ही सवाल तो है ना यार। थोड़ा ये लो खूब दो तीन दे दो, इसको कहो R1, इसको कहो R2, इसको कहो R3। अब मैं आपसे पूछूं बताओ R1, R2, R3 में क्या क्रम होगा, सेकंडों में जवाब। R बराबर V बटा I तो V के समानुपाती है, V को पकड़ ले, सबसे नज़दीक कौन है R3 सबसे बड़ा, फिर R1 और फिर R2, ये क्रम आएगा। किसी भी तरीके से कर लेना आपका आंसर यही आएगा। पैटर्न करना हो तो आपके सामने है, ट्रिक से आंसर देना हो तो भी आपके सामने है। जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करो भाई, हर तरह का क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा है ना, आप थोड़ा साथ दें। अच्छा आगे बढ़े भाई, तो एक मैं एक सवाल आपको रो एल बटा ए पर करवाता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, आपको बुक में नहीं मिलेगा मेरी गारंटी है, मतलब किसी बुक का तो नहीं पता, अपने एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा है देखिए। और बच्चा इसमें अगर आप ये समझ गए ना
तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रॉयल बटाई का मतलब क्या है। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिएगा बहुत ध्यान से बच्चों, थोड़ा थ्रीडी में है ना समझने का प्रयास करना। देखो एक घनाभ बनाते हैं, घन नहीं घनाभ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होनी चाहिए, बन जाएगा कि वैसे घनाभ कुछ इष्ट है, घनाभ जैसा ही लग रहा है कुछ, ठीक बोल काम चल जाएगा, ठीक तो नहीं है ना पर काम चल जाएगा। आगे बढ़ते तीन घनाभ बनाता हूँ एक साथ ही, दूसरा दो घनाभ हो गए, तीन घनाभ। ये ध्यान से देखना है ना, घन और घनाभ में एक छोटा सा अंतर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तो घन और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो तो घनाभ। अब देखो सुनो ध्यान से, लंबाई हम मान लेते हैं ए, ठीक है, चौड़ाई हम मान लेते हैं इसकी स्मॉल वी और ऊंचाई इसकी मान लेते हैं स्मॉल सी, इसी तरह तीनों को मान लो आप, स्मॉल ए, ये स्मॉल वी साइड और ये साइड स्मॉल सी, ये वाली स्मॉल ए, ये वाली स्मॉल बी और ये वाली सब स्मॉल सी। ये एक घन है बच्चों जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हैं स्मॉल ए बी और सी। अब आपको इसकी प्रतिरोध के बारे में बताना है, ध्यान से सुनना, बैटरी कैसे जोड़ी, देखो मैं इसका प्रतिरोध पूछ लूँ डायरेक्ट तो कोई बोल ही नहीं सकता, प्रतिरोध डिपेंड करता है कि आपने आप किन सरों के बीच जानना चाह रहे हो साहब। प्रतिरोध जब भी पूछेगा ना तो आपको दो बिंदु दिए जाएंगे कि इन बिंदुओं के मध्य निकालो, मैंने जो जोड़ा है ना इसको इस तरीके से जोड़ा है, मुझे इस फलक और इसका अपोजिट समझ गए होंगे ना आप लोग, इनके बीच मतलब मैंने बैटरी को कुछ इस इन फलकों से कनेक्ट कर दिया, आप समझ जाना भाई बच्चों। पहले क्वेश्चन में तो प्रतिरोध कितना है, मतलब इन फलकों के बीच पूछ रहा हूं मैं, बैटरी जोड़ने का मतलब है इन फलकों के बीच पूछ रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन में मैंने बैटरी को इस प्रकार जोड़ा हुआ है ऊपर से, मतलब ये वाला फलक काम ले रहा हूं मैं और इसके अपोजिट ये नीचे वाला काम में आ जाएगा, इन दो फलकों के बीच पूछ रहा हूं, इन दो बिंदुओं के बीच पूछ रहा हूं, समझने का प्रयास करना। दाएं बाएं हो गया, ऊपर नीचे हो गया और इसका मतलब आप समझ गए होंगे थ्रीडी में आगे पीछे वाला फलक, बाहर वाला बना नहीं पाऊंगा, समझना पड़ेगा लैंग्वेज में, बाहर वाला और एक इसके अपोजिट, देखो बाहर वाला तो ये वाला हो जाएगा शायद ना, और इसके अंदर वाला ये वाला हो जाएगा बच्चों, इन दो फलकों के बीच आप थ्रीडी में समझने का प्रयास करना। मैं क्या ड्रामेबाजी कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस बताना है ना आर, तो देखो आर का तरीका क्या होता है, रो कोई प्रकृति जो इसकी होगी, जो इसकी प्रतिरोधकता होगी बच्चों, जो सूत्र में लंबाई आती है ना विशेष इंपॉर्टेंट, जो सूत्र में ये एल टर्म आती है ना, ये लंबाई धारा के अनुदिश देखी जाती है, धारा बैटरी से यहां निकलेगी कुछ इस तरीके से जाएगी तो उसे कितनी लंबाई ट्रेवल करनी पड़ेगी, शायद ये ए लंबाई ट्रेवल करनी पड़ेगी, पूरी ए लंबाई, तो लंबाई की जगह तो आएगा ए। मैं ऊपर सूत्र लिख देता हूँ आर का, मैं काम लेने वाला हूँ आर बराबर रो एल बटा ए, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं प्रतिरोध का कौन सा सूत्र काम ले रहा हूँ बच्चों, आर बराबर रो एल बटा ए, पर देखो रो एल बटा ए रटने से काम नहीं चलता है, आप समझना कि रो एल बटा ए का फिजिकल अर्थ क्या है। सर रो का अर्थ है प्रकृति, रो का अर्थ है प्रकृति, जो भी इसकी प्रकृति होगी, एल का मतलब धारा के अनुदिश लंबाई, देखो धारा यहाँ से एंटर करी और यहाँ से एग्जिट करेगी इस सलक से तो एट चली, आर ए बटा क्षेत्रफल
जैसे इस बॉक्स को देख लीजिए आप, इस सीजन में करंट ऐसे जा रहा है तो लंबाई तो ये पार करी, और जब करंट ऐसे गया ना तो इसका अनुप्रस्थ काट ये सामने वाला हो गया होगा। करंट जिस तरीके से जाएगा तो इसकी मोटाई ये सामने वाली हो गई, मतलब इस फलक का क्षेत्रफल, मतलब इस फलक का क्षेत्रफल एक भुजा बी है और एक सी है, तो क्षेत्रफल आ जाएगा इसका बी सी। इस कंडीशन में तार का प्रतिरोध होगा रो ए बटा बी सी। मुझे पता है हर एक बच्चे की समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करना बच्चों। आर बराबर रो एल बटा ए में एल तो होती है धारा के अनुदिश लंबाई और ए होता है धारा के लंबवत अनुप्रस्थ काट। धारा इस तरीके से एंटर करी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है ए, तो लंबाई की जगह ए आ गई और अनुप्रस्थ काट इस वाले हिस्से का। थोड़ा दिमाग का उपयोग करो, इसको आर वन नाम दे दो। चलो इसका प्रतिरोध कितना होगा जल्दी से बताइए, सूत्र लिख के दिखाओ। आर टू लिख के दिखाना है, फिर चर्चा करेंगे आर थ्री के ऊपर। जल्दी से आर टू लिख के दिखाइए, दूसरी कंडीशन में कितना प्रतिरोध आ रहा है वो लिख के दिखाइए। तो देखो बच्चों ध्यान से, रो रो ही रहेगा, सेम मैटर है, चेंज नहीं किया है। ऊपर से करंट आ रहा है तो ऊपर से ये दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी चल रहा है वो सी चल रहा है, तो रो सी बटा इसका क्षेत्रफल, मतलब इसका एक भुजा ए और एक भुजा बी मीन्स ए बी, रो सी बटा ए बी। इसकी बात करूं अब इसमें देखिए, इसमें आप फील नहीं कर सकते, अंदर से बाहर गया होगा तो डिस्टेंस तो हो जाएगी स्मॉल वी और क्षेत्रफल ए सी। ये है बच्चों एक्चुअल में आर बराबर रो एल बटा ए का मतलब, नोट कर लें क्वेश्चन को। आ जाए तो बहुत सुंदर, नहीं आए तो उससे भी सुंदर करिए। ठीक है साहब, बाकी आप नोट करो है ना, अगली क्लास में देखते हैं। अभी हमने प्रतिरोध के बारे में चीज़ों को जाना है, प्रतिरोध का सूत्र किस तरीके से लिखा जाता है, प्रतिरोध है क्या है, दो बातें आज आपने पढ़ी, ओम का नियम और प्रतिरोध। कल चर्चा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ओमीय अनओमीय डिवाइस, और इस पर क्वेश्चन बहुत प्रकार के हैं, हर एक प्रकार का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ये नहीं समझ में आया वो वीडियो वापस देख लेना एक बार, और पसंद आया हो तो भैया लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद जुड़ने के लिए, कल फिर मिलते हैं, नोट करिए इसको आराम से।